हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस आज के मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, अभी काफी दिनों से धड़ाधड़ करके प्राइस गिरे जा रहे ग्राफिक्स कार्ड के, और आप लोग भी खुश होंगे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस देख के आजकल। और काफी लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी जॉमी भाई की आपका अभी ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए कि नहीं, राइट टाइम है कि नहीं, क्या है ये सब। तो मैंने बोला देखो, राइट टाइम है क्या ये सब तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ आज के डेट में भी प्राइसिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, कोई आप चाहे तो ग्राफिक्स कार्ड अभी प्राइस बाई कर सकते हैं। और ये भी पूछ रहे थे कि काफी लोग कि रॉबर्ट भाई कि मेरे को मतलब सेकेंड हैंड में ग्राफिक्स कार्ड के मुझे सेकेंड हैंड लेना चाहिए कि नहीं, अगर लेना चाहिए तो क्या प्राइसिंग में मिल सकता है। तो आज मैं आप लोग को दोनों चीज बताऊंगा कि आज के डेट में मार्केट में ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस नया में और सेकेंड हैंड में क्या चल रहा है, वो आप लोग मैं बताने वाला हूँ। तो लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब मैं आप लोगों को वही कार्ड बताऊंगा जो मतलब अवेलेबल है और हमारे पास अवेलेबल है और मतलब आसानी से मिल जाते हैं, और आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए वही कार्ड मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, सपोज मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको कौन सा कार्ड नहीं लेना चाहिए, उसका प्राइस नहीं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 1650 सुपर, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये 1650 सुपर क्यों नहीं लेना चाहिए नया में। ठीक है, नया में 1650 सुपर क्यों नहीं लेना चाहिए। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं 1650 से। ठीक है, मेरे पास मैं अभी लो एंड में नहीं जाऊंगा, मैं बजट से स्टार्ट करूंगा। बजट के ग्राफिक्स कार्ड है 1650 या 1050 Ti, यहीं से लोग स्टार्ट करते हैं, बजट गेमर लोग। तो लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा कि मैं बोलूंगा कि आप 1050 Ti मत लीजिए, 500 और 1000 रुपए का सिर्फ फर्क है। आप इससे बेटर है 500 और 1000 रुपए मिला के आप 1650 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1650 ले सकते हैं। तो आज के मार्केट के प्राइस के हिसाब से, और मैं आपको प्राइसिंग, ये आज का प्राइसिंग है, वो कल का कोई भरोसा नहीं, कल परसों 300 एक हफ्ते बाद क्या पता थोड़ा और कम हो जाए या थोड़ा ज्यादा हो जाए। ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते। और ये प्राइसिंग, ये भी एक बताने का एक रीजन ये भी है कि आप कहीं बाई चांस मार्केट जा रहे तो कोई आपको ठग ना ले, ठीक है, ये ज्यादा प्राइसिंग में ना ले ले। तो इसलिए मैं आप लोग बताऊंगा कि आप किस प्राइस में आपको लेना चाहिए इस आज के डेट में ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1650 से, 1050 हिम्मत लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ 500 1000 रुपए में लाके 1650 उठा लीजिए। और इसमें आज के प्राइस, आज के रेट में 1650 का प्राइस है आपका अप्रोक्स 17,900 रुपीज। ठीक है, 17,900 रुपीज में आपको 1650 मिल जाएगा। और अगर आप यूज्ड में देख रहे हैं 1650, या आपका बजट 12-13 हज़ार के अंदर है और विद इन वारंटी कार्ड चाहिए, तो आपको 1650 आपको मिल जाएगा आपको 12,000 के आसपास में। और उसके बाद नेक्स्ट आता है 1650 के बाद आता है 1650 सुपर, लेकिन मैं बोलूंगा 1650 सुपर मत लेना भाई। ठीक है, क्योंकि 1650 सुपर एक्चुअली क्या है, 22,000 के आसपास पड़ रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार कि 22,000 डालने से अच्छा ना आप लोग अगर मतलब 2-3 हज़ार रुपये डाल के साढ़े तीन हज़ार रुपये डाल के आपको RTX 2060 मिल जाएगा भाई। RTX 2060 जो कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं RTX 3050 के बराबर है, या स्लाइटली मेरे ख्याल से 2060 बेटर भी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर आप 23-25 के आसपास बजट वाले हैं तो 25,000 में यार मैं बोलूंगा यार कि आप RTX 2060 ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चॉइस होगी। तो उसके बाद आता है आपका RTX 2060 आपको मिल जाएगा 25,000 के आसपास में। उसके बाद आता है आपको RTX 3050 अभी पड़ रहा है, चल रहा है अभी प्राइस आज के डेट में 28,800 रुपए का। ठीक है, 28,800 रुपए का ये गीगाबाइट का अवेलेबल है। और अगर आप सेकेंड हैंड ढूंढ रहे हैं RTX 3050 तो मेरे ख्याल से आपको ये 22-23 हज़ार के आसपास में आपको मिल जाएगा। और हाँ, जो सेकेंड हैंड अगर ढूंढ रहे हैं तो आप मेरे को हमारे वेबसाइट zoka.com में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर हमारे डायरेक्ट zoka के सपोर्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर में जो हमको व्हाट्सअप करके भी ग्राफिक्स कार्ड सेकेंड हैंड बाई करना तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तो RTX 3050 का प्राइस चल रहा है आपका आपको 23-24 हज़ार के आसपास में। ठीक, और वारंटी भी रहेगा उसमें। और उसके बाद आपका RTX 3060 में अभी आज के डेट में कलर सबसे लोवेस्ट में चल रहा है, कलरफुल और PNY, ये दोनों के प्राइस हैं, दोनों का सेम प्राइस है 36,999, मतलब आपका 37,000 का चल रहा है। ठीक है, और ये आपको आपको RTX 3060 आपको अप्रोक्स 30,000 में आपको सेकेंड हैंड में आपको मिल जाएगा हमसे, ये हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। और उसके बाद आता है आपका RTX 3060 Ti आपका अभी प्राइस चल रहा है आपका 46,500 रुपीज़ में,
और इसका सेकेंड हैंड अगर ढूंढ रहे हैं तो इसका मिल जाएगा आपको हम लोग से 33,000 to 37,000। देखो 33,000 जितना मतलब जितना अच्छा ब्रांड और जितना अच्छा वारंटी होगा उतना उसके हिसाब से आपको प्राइसिंग रहेगा, ठीक है कार्ड का। उसके बाद आपको 3070 RTX 3070 आपको RTX 3070 मिल जाएगा आपको। जोटेक का हमारे पास अवेलेबल है, आपको इसका प्राइस पड़ेगा सिर्फ 55,000 रुपीज। और अगर आप सेकेंड हैंड देख रहे हैं तो आपको सेकेंड हैंड में आपको 41,000 से लेकर 45,000 में आपको मिल जाएगा विद इन वारंटी वाला। जितने मैं सेकेंड हैंड के प्राइसिंग बता रहा हूं आपको सभी वारंटी में, सभी कार्ड वारंटी में भी रहेगा, और लगभग और मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट सारे कार्ड, ठीक है। और उसके बाद आता है आपको RTX 3070 Ti कलरफुल का है, ट्रिपल फैन वाला आपको मिल जाएगा। 3070 Ti का प्राइस है 60,000 रुपीज। और अगर आप सेकेंड हैंड देख रहे हैं तो इसका सेकेंड हैंड का प्राइस आपको मिल जाएगा 45,000 से लेके 55,000। ये आपको डिपेंड करेगा आपको कितना वारंटी बाकी, जितना अच्छा जितना ज़्यादा वारंटी बाकी होगा कार्ड में सेकेंड हैंड उतना प्राइसिंग उसके हिसाब से ही होगा। और उसके बाद आता है आपको 3080 में हमारा जोटेक का ट्रिनिटी मॉडल ट्रिपल फैन वाला, और इसका प्राइस पड़ेगा आज के रेट के मार्केट हिसाब से 77,000 रुपीज। और अगर आप सेकेंड हैंड में देख रहे हैं ये कार्ड तो आपको मिल जाएगा ये 64,000 से लेकर 70,000 के अंदर। और उसके बाद हमारा लास्ट कार्ड हमारे पास है आपको RTX 3080 Ti, हमारे पास 3090 नहीं है भाई, बहुत महंगा कार्ड है। तो RTX 3080 Ti का प्राइस है Inno3 का X3 मॉडल अवेलेबल है, ट्रिपल फैन वाला 97,500 रुपीज में। और आप इसका भी सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं तो हम लोग से ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं 80,000 से लेके 85,000 रुपीज। तो इतना ही आज के वीडियो में आपको बताना चाहता था ग्राफिक्स कार्ड के नए और सेकेंड हैंड में क्या प्राइसिंग चल रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन तगड़ा लगा या आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा या फ्यूचर में चाहते हैं कि आप इसी इन्फॉर्मेशन अपडेट रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।